खाइएगा बबुल खाइएगा खजूर, आपको तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, आप क्यों हर चीजों को पॉलिटिकल इवेंट्स करते रहते हैं? आप गरीबी पर, भुखमरी और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हैं? देश का पीएम होता है वो, कोई व्यक्ति और पार्टी का पीएम नहीं होता। मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी के रहते हुए जूता फेंके गए थे, हाय तोबा मचाया गया। योगी के सरकार में एट्रेंडम सारी लड़कियां घेर ली क्या? वहां पर इन्होंने कहा कि थैंक्स मुख्यमंत्री। एक घटना घटी है, जनता तो किसी को घेर सकती है और वहां तो घेरने की कोई बात भी नहीं थी, वो तो आंदोलन चल रहा था। आप MSP नहीं दीजिएगा, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी कुछ कभी कुछ। और पीएम की सुरक्षा तो कंप्लीट SPG रॉ और सबके हाथ में होती है, वो तो कोई आम आदमी के हाथ में होता नहीं है। आपको तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, आप क्यों हर चीजों को पॉलिटिकल इवेंट्स करते रहते हैं? आप गरीबी पर, भुखमरी और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हैं? हर चीजों का राजनीतिकरण, हर चीजों का सत्ता के लिए राजनीति, वोट के लिए राजनीति, सियासत के लिए राजनीति। क्या देश में हम दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं? आप तो नोटबंदी के वक्त कह रहे थे यदि कुछ हो तो मुझको चौराहे पर फांसी लगा देना, मुझको जूता मारना, मैं आऊंगा आपके सामने। आप 700 किसान मरने के बावजूद 9 महीना तक नहीं हटे, आप 20 मिनट में आपको पेट में दर्द हो गया। 700 किसान मरे थे, 700, और 20 मिनट में आपके पेट में दर्द हो गया। और उसमें भी आप मजाक, एक पीएम को मजाक नहीं, हमारे पीएम देश का पीएम होता है वो, कोई व्यक्ति और पार्टी का पीएम नहीं होता। और पार्टी के लोग मजाक बना रहे, बीजेपी वाले को सलाह देंगे वो पीएम देश का है, देश के हर लोग अपने पीएम के लिए जान दे देंगे, मुख्यमंत्री के लिए जान दे देंगे, स्टेट के हर लोग समझे। जिस तरीके से ये लोग, इनको सीखना चाहिए मनमोहन सिंह जी से, अरविंद केजरीवाल पर भी जूता चप्पल चलाए थे ये लोग। कभी नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं कहा थैंक्स सीएम।